देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पोहरी नगर परिषद सीएमओ तेज सिंह यादव व नगर परिषद के कर्मचारी नंदकिशोर गुप्ता ने शिवपुरी शिवपुर रोड पर बने तालाब का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण करते हुए सीएमओ यादव ने कहा कि माताओं के विसर्जन के लिए एक ही स्थान का चयन किया गया है जो शिवपुर रोड पर बने तालाब को बनाया गया है। साथ ही अपील की है कि विसर्जन में कम ही लोग तालाब के पास जाए, बच्चों को न जाने दे और बच्चों को तालाब से दूर रखे। पौड़ी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज नवरात्रि विसर्जन का होना है यहाँ, और क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं और क्या कुछ जायजा लिया गया? आज देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए शिवपुर रोड स्थित ये तलैया पर व्यवस्था की गई है, जिसमें नगर परिषद की तरफ से प्रकाश की व्यवस्था, बैरिकेड्स और विसर्जन की व्यवस्था पूरी नगर परिषद की तरफ से रहेगी। जो भी प्रतिमाएँ आएंगी उन्हें हम यहाँ घाट पर रखवा कर हमारे कर्मचारियों से विसर्जित करवाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। क्या सर, विसर्जन स्थल केवल एक ही स्थान पर बनाया क्या, अन्य भी है नगर? नहीं, एक ही स्थान है, ये शोकपुर रोड स्थित जो तलैया है ये एक ही स्थान चयन किया गया है। और कितने बजे तक यहाँ विसर्जन होगा? विसर्जन शाम को 6 बजे से लगभग रात को 3-11 बजे तक संभावना जताई जा रही है। हमारी टीम को जब तक रात की प्रतिमा नहीं आ जाती तब तक रहेगी, जितना भी समय लगे।